डियर स्टूडेंट्स, बी कॉम पार्ट सेकेंड में अपना पेपर सेकेंड में अपन कॉस्ट अकाउंटिंग के अंतर्गत वैल्यूएशन एंड इशू ऑफ मटेरियल वाला चैप्टर कर रहे हैं। वैल्यूएशन एंड इशू ऑफ मटेरियल के चैप्टर में अभी तक अपन ने ये देखा कि जब स्टोर से माल जॉब्स में ट्रांसफर किया जाता है तो उसमें कौन कौन से अपन मेथड्स काम में ले रहे थे। मेथड्स के बाद यदि अभी कभी हमारे पास स्क्रैप कुछ आ जाता है या कुछ वेस्ट हो जाता है मटेरियल, तो उसका हमें किस प्रकार से ट्रीटमेंट करना है। और साथ में एक प्रॉब्लम ये भी आ जाती है कि कई बार हम माल जो अपन जॉब को देते हैं उनको उतना का पूरा माल यूज़ में नहीं आता है और उसमें से वो कुछ माल को हमें वापस कर देते हैं, तो उसका अपन कैसे ट्रीटमेंट करेंगे वो भी आगे अपन देखेंगे। तो इसको अपन एक प्रॉब्लम से सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत मेथड तो वही काम में लेना है जो अपन ने लास्ट में पढ़े। ये आपको क्वेश्चन में बता रखा होगा कि स्टोर लेजर के अंतर्गत वो कौन सा मेथड इशू यूज़ में कर रहे हैं, जैसे फीफो मेथड या लीफो मेथड, कौन सा मेथड इशू कर रहे हैं। तो जैसा भी क्वेश्चन में लिखा हो वैसा ही करेंगे। इसकी एक आपकी बुक में प्रॉब्लम दे रखी हो, ये एग्जाम की भी प्रॉब्लम है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलना इस प्रॉब्लम को। माह दिसंबर 2017 के लिए कारखाने में भंडार की एक पद की प्राप्ति तथा निगमन का इतिहास हमें बता रखा है। रिसीप्ट्स और इशू दो साइड्स हमें दे रखी हैं। लास्ट में लिखा हुआ है कि निगमन को प्रथम प्राप्ति प्रथम निगमन के आधार पर मूल्यांकन करना है। स्टॉक जांचकर्ता द्वारा 15 दिसंबर 2017 को 5 किलो तथा 31 दिसंबर 2017 को 7 किलो की कमी या छीजत प्रतिनिधित्व की गई सामग्री लेकर खाता हमें तैयार करने को कह रहा है क्वेश्चन में। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें ये तो बता रखा है कि हमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड को यूज़ करना है, लेकिन जो हमारी वेस्टेज है, जो हमारी शॉर्टेज है, उस शॉर्टेज के बारे में हमें ये नहीं बता रखा कि हमें कौन सा मेथड को यूज़ करना है। तो आपको जो मेथड उचित लगता हो आप उसी मेथड को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जनरली हमें कारखाना उपव्यय मान के ही इसका ट्रीटमेंट करना होता है। कारखाना उपव्यय का मतलब होता है कि एक सामान्य इशू मान के ही हम इसको वेस्टेज को या शॉर्टेज को ट्रीट करके चलेंगे। क्वेश्चन में आपको सबसे पहले बता रखा है 1 दिसंबर को बैलेंस हमें दे रखा है 500 किलो का, तो आप यहाँ पे लिख देंगे सिर्फ बैलेंस के कॉलम में आएगा 500 किलो। यहाँ पे हेडिंग भी डाल देना चाहे तो आप लिख सकते हैं बैलेंस 500 किलो। रेट थी हमारी 20 रुपये और ये हो गया हमारा 10,000 रुपये मूल्य का माल। इसके बाद हमने 3 तारीख को इशू कर दिया, 3 दिसंबर को हमने माल सिर्फ इशू करा है। इशू हमने किया 70 किलो, रेट थी हमारी 10 रुपये की, तो ये हो गया हमारा 700 रेट हमारी 10 रुपये नहीं 20 रुपये है, तो 770 रुपये के हिसाब से ये हो गया हमारा 1400 रुपये का। और शेष जो माल बचा वो हमारा बचा 430, 20 रुपये हमारी रेट है और ये माल हो गया हमारा 8600 रुपये। इसके बाद 3 दिसंबर के बाद हमारा है 4 दिसंबर को हमने फिर से 100 इशू कर दी क्वांटिटी में, 20 रुपये हमारी रेट चलेगी क्योंकि कोई दूसरा माल नहीं है, एक ही तरह का माल है हमारे पास, 2000 रुपये का। अब कितना बचा शेष मेरे पास 330 और 20 रुपये के हिसाब से 6600 रुपये। इसके बाद हमने 7 दिसंबर को फिर से इशू करा 80 किलो 20 रुपये के हिसाब से 1600 रुपये का। अब शेष माल कितना बच गया, 330 में से आप 80 माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये माल बचा 250 किलो, 20 रुपये हमारी रेट होगी और ये हो गया आपका 5000 रुपये। अब 14 दिसंबर को, ये मेन है, अभी तक तो जैसे अपनी प्रॉब्लम करी वैसे ही करा था अपन ने, 14 दिसंबर को ये आपसे कहता है कि 20 किलो माल 20 रुपए की रेट से रिटर्न फ्रॉम जॉब। रिटर्न फ्रॉम जॉब का मतलब ये होता है कि जिस जॉब को आपने माल दिया था उन्होंने हमें 20 किलो माल वापस कर दिया। और इस क्वेश्चन में अपने को रेट भी बता रखी है, कई बार ऐसा भी होगा कि आपको रेट नहीं बता रखी होगी, तो उस स्थिति में जो उससे पहले वाला होगा अपन उसको मान के चलेंगे रेट का। अब यहाँ पे तो रेट बता रखी है, अपन इसी रेट को लेंगे। 20 किलो था, 20 रुपये था, 400 रुपये का हो गया, यहाँ पे लिख देंगे रिटर्न। अब टोटल माल हो गया हमारा 270। यदि ये अलग अलग रेट का माल होता तो हम
उसको अलग अलग करके 250 और 20 हमें अलग अलग करके दिखाना चाहिए था, लेकिन एक ही रेट का माल है इसलिए हम उसको एक साथ दिखा रहे हैं। तो और ये हो गया हमारा 5,400 रुपये। 14 दिसंबर के बाद 15 दिसंबर को हमारे वेस्ट हो गए 5 किलो माल, हमारा शॉर्टेज हो गया या वेस्ट हो गया। ब्रैकेट में लिख देंगे अपन वेस्ट, एक ही रेट का माल है इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 20 और यहाँ पे लिख देंगे अपन 100 रुपये। अब जो माल बचा वो बचा हमारा 265 किलो का, रेट चल रही है हमारी वही 20 रुपये और शेष बचा हमारा 5,300 रुपये। अब 15 दिसंबर के बाद 16 दिसंबर को हमने इशू कर दिया, 16 दिसंबर को हमने इशू करा 200 किलो, रेट है हमारी हुई 20 रुपये, 4,000 रुपये का हो गया। अब शेष माल कितना बचा, खाली 65 किलो 20 रुपये के हिसाब से और अमाउंट आ जाएगी आपकी 1,300 रुपये। अब 20 दिसंबर को हमने 22 रुपये के हिसाब से 20 दिसंबर को हमने 200 किलो माल प्राप्त करा 22 रुपये के हिसाब से और ये हो गया अमाउंट हमारा 4,400 रुपये का। अब यहाँ पे आके हमारे पास दो अलग अलग कैटेगरी का माल बच गया, एक तो 65 किलो है हमारा 20 रुपये के हिसाब से 1,300 रुपये का और 200 किलो माल है हमारे पास 22 रुपये के हिसाब से 4,400 रुपये का, 265 टोटल स्टॉक तो 265 हो गया ना, ये दो अलग अलग रेट है और यहाँ पे आ गया 5,700 रुपये। 20 दिसंबर के बाद हमने 25 दिसंबर को माल इशू कर दिया, 25 दिसंबर को हमने माल इशू करा 200 किलो। जब अपन 25 दिसंबर को माल इशू करेंगे 200 किलो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से आप चल रहे हैं तो सबसे पहले इशू किया जाएगा 65 किलो। 65 किलो रेट कौन सी होगी, 20 रुपये, 1,300। अब टोटल अपने को कितना इशू करना है, टोटल हमें माल इशू करके चलना है 200 किलो। टोटल 200 किलो करना है तो उसमें से 65 अपन माइनस कर देंगे तो 135 किलो जो हमारा रेट होगा माल का वो चलेगा 22 रुपये। 135 किलो हम 22 रुपये के हिसाब से चल करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा आपका दोनों को जोड़ के भी लिख सकते हैं यहाँ पे तो अपन लिख देंगे 4,270 रुपये। या आप ऐसा भी कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में पहले दोनों का अलग अलग लिखे और फिर दोनों को कंबाइन करके लिखना पड़ेगा, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि अलग अलग लिख के ही छोड़ दें। अब 65 तो इशू हो गया हमारा, शेष कितना था 200 में से भी हमने 135 किलो कर दिया तो शेष बचा मेरे पास 65 किलो माल, रेट चल रही है मेरी 22 रुपये के हिसाब से और अमाउंट आ जाएगा अपना 1,430 रुपये। अब 25 दिसंबर के बाद हमने 27 दिसंबर को रिटर्न फ्रॉम जॉब है 15 किलो रिटर्न फ्रॉम जॉब। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमें रेट नहीं बता रखे, हमें क्वेश्चन में ये नहीं बता रखा कि जो जॉब ने रिटर्न किया है वो कौन से मूल्य का माल है। तो ऐसी स्थिति में आप ये मान के चलेंगे कि हमने जो 25 दिसंबर को इशू किया था माल उसी में से उन्होंने रिटर्न किया है 27 दिसंबर को, लेकिन यहाँ पे भी हमें दो अलग अलग रेट का माल था, एक 20 था एक हम 22 था, तो अधिकतम मूल्य वाला ले लेंगे यहाँ पे हम और हम ये मान के चलेंगे कि जो 135 किलो हमने 22 रुपये के हिसाब से इशू किया था उसमें से ही उसने 15 किलो हमें वापस कर दिया है। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन 22 का और ये आ जाएगा अपना 330 रुपये। अब जो हमारा स्टॉक बचा वो स्टॉक में 65 और 15 दोनों को ऐड कर देंगे
तो आपका आ जाएगा 65 + 15 इज इक्वल्स टू 80। रेट वही सेम हो जाएगी 22 रुपये और अमाउंट आ जाएगा अपना 1760 रुपये। 1760 रुपये। अब 27 दिसंबर के बाद हमने 30 दिसंबर को माल प्राप्त कर लिया। 30 दिसंबर को हमने माल प्राप्त किया 300 किलो। रेट थी हमारी 23 रुपये। तो ये माल हो गया हमारा 6900 रुपये का। अब बैलेंस के कॉलम में 80 किलो 22 रुपये के हिसाब से लिखेंगे और 300 किलो टोटल स्टॉक हो गया मेरे पास 380 किलो का 23 रुपये के हिसाब से। ये दो अलग अलग रेट का माल हो गया हमारे पास और टोटल आ जाएगा अपना 8660 रुपये। 8660 मैंने कैसे निकाला, 80 × 22 और 300 × 23, इन दोनों को अपन कैलकुलेट करके निकालेंगे तो अपने पास आ जाएगा 8660। इसके बाद ये कहता है कि 31 दिसंबर को हमारा 31 दिसंबर को 7 किलो की फिर से छीजत हो गई या वेस्ट हो गई। तो 7 किलो की जब हमारे पास छीजत हो गई तो यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट में 7। सामान्य अपन एक इशू मान के चलेंगे, वेस्ट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से कर रहे हो इसलिए 22 रुपये वाले में से ले लेंगे अपन। यहाँ पे लिख देंगे 22 रुपये का रेट का माल है 154 रुपये और 80 में से 7 चला जाएगा तो आपके पास ये बचेगा खाली 73 किलो। 300 किलो एज इट इज लिखा जाएगा, टोटल हो गया हमारा 373 का 22 रुपये रेट चलेगी और 23 रुपये रेट चलेगी, दोनों की रेट्स हो गई। इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 8506। तो आपसे 31 दिसंबर को जो हमारे पास माल का शेष बचा हुआ है वो बचा हुआ है 73 किलो, तो 22 रुपये के हिसाब से, 300 किलो 23 रुपये के हिसाब से और टोटल आ जाएगा अपना अमाउंट में 8506। कई बार ऐसा भी हो सकता है आपसे क्वेश्चन में आपसे सिर्फ पूरा क्वेश्चन दे दिया जाए और आपसे ये कहा जाए कि आप सिर्फ ये बताइए कि वहाँ के अंत में कितने रुपये मूल्य का स्टॉक बचा हुआ है। तो उस स्थिति में भी ये स्टेटमेंट तो आपको एज इट इज बनाना पड़ेगा, लेकिन पूरी कैलकुलेशन अपन वर्किंग नोट पे दिखाएंगे और लास्ट में सिर्फ इतनी सी फिगर ही आपको शो करनी पड़ेगी। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम मान के चलना है, इसमें से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इस तरह का। थैंक यू।